हेलो फ्रेंड्स इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड कह रहा है कि क्या आपका ऑस्ट्रेलिया में परिवार है नहीं मेरा भाई ही परिवार है आई होप कि आपने ट्रांसलेट कर लिया होगा तो चलिए देखते इस इंग्लिश में क्या कहेंगे डू यू हैव फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया नो माई ब्रदर इज दी ओनली फैमिली कहना चाह रही है कि मेरा जो ब्रदर है वही मेरे लिए फैमिली है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर कह रही कि जब मैं उनकी उम्र की थी तब मेरी मां चल बसी और कुछ ही सालों पहले मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया तो चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी इसे इंग्लिश में कहेंगे माई मदर डाइड वेन आई वॉज हिज एज एंड माई फादर डाइड अगो डाइड सेकंड फॉर्म हैज बीन यूज हियर डाई डाइड पूछ रहा है कि अपने पति के बारे में क्या

कैन यू प्लीज टेक हिम टू द टॉयलेट टेक टू टेकन एज यू कैन सी फर्स्ट फॉर्म हैज़ बीन यूज हियर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने कहा कि वह घर में रहना चाहता है आई होप कि आपने ट्रांसलेट कर लिया होगा तो चलिए देखते इसकी इंग्लिश क्या होगी इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज नॉट सरप्राइज वेन ही सेड ही वॉन्ट्स टू लीव इन होम सरप्राइज सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित किसी को आश्चर्यचकित कर देना या फिर हो जाना मैं उसमें किसी की दखल नहीं चाहती थी आई होप कि आपने ट्रांसलेट कर लिया होगा तो चलिए देखते इसकी इंग्लिश क्या होगी इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डिड नॉट वॉन्ट एनी बडी इंटरवेंशन इन दैट इंस्टीड ऑफ इंटरवेंशन यू कैन यूज़ अनादर वर्ड विच इज़ इंटरफियर इसी बहाने उसने मुझे इस्तांबुल से फ़ोन किया चलिए तो देखते इसकी इंग्लिश क्या होगी इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑन दिस प्रिटेक्स्ट ही कॉल मी फ्रॉम इस्स्ताम्बुल इसी बहाने इसी बहाने को इंग्लिश में ऑन दिस प्रिटेक्सट कहा जाता है बोलते हुए वह काफ़ी परेशान लगा इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट दिस सेंटेंस हमें पहले परेशान का इंग्लिश वर्ड पता होना बेहद ही जरूरी है तो चलिए देखते इसकी इंग्लिश क्या होगी ही सीम्ड डिस्टर्बड वाइल टॉकिंग ही सीम्ड डिस्टर्बड वाइल टॉकिंग डिस्टर्बड यानी परेशान मैंने उसे समझाया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तो चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी इसे इंग्लिश में कहेंगे आई मेड हिम अंडरस्टैंड दैट नीड नॉट बी डिस्टर्बड जैसे कि हमने प्रीवियस सेंटेंस में देखा डिस्टर्ब होना यानी परेशान होना उसने मुझसे कहा कि जैसे ही वह वह भस जाएगा वह मुझे यहाँ से ले जाएगा आई होप कि आपने ये translate कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश क्या होगी इसे इंग्लिश में कहेंगे ही टोल्ड मी दैट एज सुन एज ही सेटल डाउन देयर ही वुड टेक मी फ्रॉम हियर घुमा फिरा कर बात मत करो मुझे सीधा आंसर दो देखिए जब भी कोई व्यक्ति अपनी मेन बात छुपाना चाह रहा है तो फिर उस उस समय वो घुमा फिरा के बात करता है इधर उधर की बात करता है या बेकार की बात करता है उस समय एक ईडियम यूज किया जाता है बीट अराउंड द बुश इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट बीट अराउंड द बुश गिव मी द स्ट्रेट आंसर डोंट बीट अराउंड द बुश नहीं मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ आई होप कि आपने ये ट्रांसलेट कर लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होंगी इसे इंग्लिश में कहेंगे नो आई एम नॉट बीटिंग अराउंड द बुश नो आई एम नॉट बीटिंग अराउंड द बुश